हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, मैं प्रथमेश आपका स्वागत कर रहा हूँ हमारे चैनल पीपीएल व्लॉग्स पे। सुबह के बजे 8:15 इन द मॉर्निंग एंड यू गाइज माइट बी थिंकिंग भाई इतने सुबह आज व्लॉग। हाँ भाई, आज मैं बहुत सुबह जल्दी उठ गया था तो मैंने सोचा क्यों ना इस इतने बहुत अच्छे मॉर्निंग के सनशाइन में एक व्लॉग बनाया जाए। फॉर मोर इंट्रोडक्शन गाइस, ये पर्टिकुलर वीडियो जो है ये व्लॉग नहीं होने वाला है, एक इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। मीन्स फॉर दोज वो लुकिंग फॉर एडमिशंस फॉर अ डिप्लोमा कॉलेज इन गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मुंबई। कहानी वहाँ से शुरू हुई थी कुछ एक या आई थिंक डेढ़ साल पहले, कुछ लगभग मैंने एक वीडियो बनाया था गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मुंबई के ऊपर। सो ये जो कॉलेज है ये बांद्रा खेरवाड़ी में है, दैट इज़ इन बांद्रा ईस्ट। तो ये जो कॉलेज है ये पॉलिटेक्निक कॉलेज है। तो ये जो मेरा डिप्लोमा का कॉलेज था गाइस, तो इसका मैंने एक रिव्यू वीडियो बनाया था, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देने की भी कोशिश की थी कि कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर है एंड ऑल। तो इस वीडियो के ऊपर ना हमारे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कंटिन्यूसली कि भाई मुझे इतने इतने परसेंटेज मिले हैं, क्या मुझे इधर एडमिशन मिलेगा, क्या फैसिलिटीज़ है, कौन से डिपार्टमेंट है कॉलेज के, क्या स्ट्रक्चर्स है वगैरह एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस आ रहे थे कंटिन्यूसली एंड दिस वीडियो इज़ वन ऑफ द टॉप मोस्ट कमेंटेड वीडियो ऑफ माई चैनल। तो मैंने सोचा भाई, मुझे इंस्टाग्राम पे भी DMs आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि ना आपके लिए गाइज एक छोटा सा वीडियो बना दूँ जिसमें मैं आपके क्वेश्चंस जो है कॉमन क्वेश्चंस वो आपके आंसर्स कर दूँ। तो मैंने इस वीडियो के कमेंट सेशन से कुछ कमेंट्स उठाए हैं, कुछ अराउंड 10 to 11 ही कमेंट्स उठाए हैं जो बेस्ट है, जो रिपीटिटिव है, जो बेसिक्स है, मतलब बहुत सारे लोगों को डाउट है। तो आज हम इस वीडियो में उसके बारे में बात करने वाले हैं एंड आई थिंक आई एम द राइट पर्सन टू हेल्प यू विद दिस वीडियो बिकॉज मैंने वहाँ से डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग पास की है। अराउंड 2014 से लेकर 2017 तक मैं वहाँ पे था। तो गाइस, डिप्लोमा कॉलेज, सो व्हाट इज़ डिप्लोमा एग्जैक्टली? ये जो कोर्स है टेक्निकल कोर्स है, डिप्लोमा फिर डिग्री जो आती है कोर्सेज, तो ये जो कोर्स है 10th पास होने के बाद आप एलिजिबल हो जाते हो। तो पॉलिटेक्निक कोर्स है यहाँ पे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मुंबई में। बिफोर वी स्टार्ट आई वुड लाइक टू आंसर अ क्वेश्चन बाई दैट इज़ क्रिएटेड बाई माई सेल्फ, हाउ टू गेट एडमिशन इन डिप्लोमाज। तो डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एजुकेशन की वेबसाइट है, यहाँ पे डिप्लोमा के कॉलेजेस की जो है एडमिशन की जो प्रोसेस है वहाँ पे शुरू होती है। देन प्लीज़ मेक श्योर दैट बिफोर वॉचिंग द वीडियो और आफ्टर वॉचिंग द वीडियो यू गो एंड वॉच दिस वेबसाइट। आई थिंक डिप्लोमा के एडमिशन जो है और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो अभी भी शुरू है। तो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मुंबई में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, कंप्यूटर डिपार्टमेंट है, इंस्ट्रूमेंटेशन डिपार्टमेंट है, IT डिपार्टमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल, लेदर, रबर और बहुत सारे हैं। तो गाइज प्लीज मेक श्योर दैट यू वॉच द वीडियो टिल द लास्ट, आपके हर एक डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। तो हमारे इस वीडियो पे एक कमेंट आई थी, फर्स्ट दैट इज फ्रॉम प्रणव जादव, योर कॉलेज नेम प्लीज एंड लोकेशन। तो मैंने जैसा कहा मेरा कॉलेज जो था वो डिप्लोमा का कॉलेज था, मैंने डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग किया है 2014 टू 2017, ये 3 साल मैं उस कॉलेज में था। ये जो कॉलेज है बांद्रा में है, ईस्ट में, खेरवाड़ी में, तो जो टच है एग्जैक्टली वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे। सो इफ़ यू वांट टू गो, इट्स वेरी मच नियर फ्रॉम कलानगर या बांद्रा स्टेशन आप बोल सकते हो या बांद्रा कोर्ट। सेकेंड ब्रो, आई वॉन्ट टू डू डिप्लोमा फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड गॉट 69% इन SEC, कैन आई गेट एडमिशन? तो गाइस कैसा है ना, देखो आपको पता ही होगा कि हर एक साल अलग अलग कट ऑफ जो लिस्ट रहते हैं यहाँ पे। तो कैसा है कि इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट इस कॉलेज में तो है, लेकिन मैं आपको इस कमेंट से आपको ये गारंटी नहीं दे सकता कि आपको इतने इतने परसेंटेज पे एडमिशन आपको मिलेगा या नहीं। गवर्नमेंट कॉलेज के कट ऑफ तो ज़रूर हाई होंगे, उसके लिए आप कॉलेज की वेबसाइट है gpmumbai.ac.in पे जाके चेक कर सकते हो कि कट ऑफ लिस्ट क्या थी पिछले साल एंड ऑल, तो आप थोड़ा सा आपको अंदाज तो ज़रूर लग जाएगा। द थर्ड क्वेश्चन दैट इज़ वेबसाइट का नाम क्या है, मैंने अभी ऑलरेडी ये क्वेश्चन आंसर कर लिया है, यहाँ पे आपको डिस्प्ले पे वेबसाइट दिख रही है, आप विजिट कर सकते हो जाके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्रदर, कॉलेज हैविंग हॉस्टल? तो गाइस कैसा है, ये जो कॉलेज है यहाँ पे बॉयज़ हॉस्टल है, कॉलेज के कैंपस के अंदर ही आपको हॉस्टल प्रोवाइड किया जा रहा है लेकिन बॉयज़ के लिए है। ओके, तो कुछ पर्टिकुलर अराउंड फर्स्ट ईयर के बच्चे जब ज्वाइन होते हैं
जो न्यू एडमिशन्स होते हैं या सेकेंड ईयर के जो डायरेक्टली ITI करके आते हैं, तो उनके लिए पर्टिकुलर कोई सीट्स वगैरह रखे रहते हैं? फॉर बेटर इन्फॉर्मेशन वेबसाइट पे सब डिटेल्स अवेलेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाई फीस कितनी लगी है? तो गाइस, मैं जब 2014 टू 2017 इस पीरियड में था वहाँ पे, तो वहाँ पे कुछ अराउंड ओपन के लिए अराउंड 9500 फीस जो थी, और कास्ट कैटेगरी के लिए अराउंड 3500। द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव ओवर हियर फ्रॉम राहुल गुरव इज, भाई टाइमिंग क्या होता है सभी ईयर्स के बच्चे के लिए कॉलेज में आने का? तो राहुल, इट इज़ लाइक यहाँ पे दो शिफ्ट्स अवेलेबल है, फर्स्ट शिफ्ट एंड सेकेंड शिफ्ट। टाइमिंग आपको ज़रूर बताऊंगा। फर्स्ट शिफ्ट इज़ फ्रॉम अराउंड 8 to 4 o'clock, मैं अपने एक्सपीरियंस के बारे में बात कर रहा हूँ बिकॉज मुझे यही टाइम था। सेकेंड शिफ्ट जो है वो अराउंड 12 to 8 o'clock सुना है मैंने, आई थिंक 6 o'clock या 7 o'clock तक होता है उनका क्लासेस। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर तीनों साल आपको शिफ्ट्स प्रोवाइड है। तो अगर आप लकी लिए आपको फर्स्ट शिफ्ट में मिलता है, धन्यवाद लकी, आपको जल्दी कॉलेज जाके जल्दी आप घर आ सकते हैं। इफ़ यू आर सेकेंड, नो वरी, आप मस्त एंजॉय करके, मतलब थोड़ा सा दिन मॉर्निंग को एंजॉय करके इजीली उठ के अराउंड 12 o'clock के टाइम कॉलेज जा सकते हो। तो मैंने 12 o'clock जो बात कर रहा हूँ, मैं आपको एक एवरेज बता रहा हूँ बिकॉज कभी कभी हैज़ पर द टाइम टेबल, कभी आपका जो सेकेंड शिफ्ट का टाइमिंग है वो 11 बजे भी हो जाता है या कभी 10 बजे भी होता है सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में। सो इट डिपेंड्स अपॉन द कॉलेज स्टाफ अबाउट हाउ दे सेट द टाइम टेबल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे है, भैया बेस्ट ब्रांच कौन सी है? तो यहाँ पे हर एक इंजीनियरिंग की हर एक ब्रांच बेस्ट है, लेकिन जिसमें आपको ज़्यादा इंटरेस्ट लग रहा है, आप रिसर्च करना एडमिशन लेने से पहले, ऑप्शन फॉर्म भरने से पहले, जिसको आप में ज़्यादा इंटरेस्ट आ जाएगा वो बेस्ट ब्रांच है आपके लिए। सो दैट्स द आंसर फ्रॉम माई साइड। वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ अ टिपिकल टाइप ऑफ क्वेश्चन ओवर हियर फ्रॉम डेविल डीपी ब्लॉग्स। I have completed ITI in electrician from government college. My fourth semester marks is 74%. Mala bhetu shakel ka admission, please reply. Okay. So guys, ITI ke jo seats hai wo alag hote hai as per the 10th SEC criteria walon se. ओके तो मैं आपको यहाँ पे मैं वापस में कह रहा हूँ कि मैं आपको बता नहीं सकता कि आपको ये परसेंटेज पे ये कॉलेज मिलेगा कि नहीं। कट ऑफ लिस्ट आप चेक कर सकते हो वेबसाइट पे, आप गेस कर लेना, प्रेडिक्ट कर लेना, अगर आपको लग जाता है तो ना, इट इज़ वेरी मच गुड, बेस्ट फॉर यू, राइट। ITI के बाद आपको सिर्फ 2 साल का डिप्लोमा यहाँ पे करने मिलेगा, मीन्स यू विल गेट एडमिशन डायरेक्टली इन सेकेंड ईयर। ओके, ये आपका एडवांटेज होता है अगर आप ITI करके आते हो तो। यहाँ पे वी हैव अ नेक्स्ट क्वेश्चन ओवर हियर फ्रॉम चंद्रा H। ब्रदर कुड यू टेल मी व्हाट टाइप ऑफ लैंग्वेज यूज इन द कॉलेज प्लीज, हिंदी या मराठी प्लीज़ रिप्लाई। मोस्टली तो इंग्लिश ही होता है, लेकिन कभी कभी हिंदी भी हो जाता है अगर आप ज़्यादा फेमिलियर हो जाओ, मतलब जैसे टीचर्स के साथ आप कंफर्टेबल हो जाओ वैसे लैंग्वेज वेरी हो जाता है। सो डजेंट मैटर अगर आपको मराठी में हो रहा है, अगर आपको नहीं समझ रहा है, दे टीचर्स आर गोइंग टू हेल्प यू विद द इंग्लिश एज वेल एज हिंदी लैंग्वेज। सो डजेंट मैटर, प्लीज़ डोंट थिंक अबाउट दिस क्वेश्चन वेरी मच। ओके, वी हैव अ नेक्स्ट कमेंट वो कमेंट पढ़ के वो कमांड निकल गया मेरे मुंह से अभी, फ्रॉम अनस। कैन यू प्लीज टेल मी, इज देयर अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन फर्स्ट शिफ्ट एंड सेकेंड शिफ्ट रिलेटेड टू स्टडी? स्टडी के बारे में कोई भी डिफरेंस नहीं है, सिर्फ डिफरेंस जो है गाइज यहाँ पे जो है वो सिर्फ टाइम का डिफरेंस है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा, दोनों शिफ्ट आर इक्वल फॉर द कॉलेज। अगर आपको एडमिशन मिलता है कौन से भी शिफ्ट में, देन इट इज़ वेरी मच ओके। आपको थोड़ी से स्टार्टिंग में थोड़ी सी आपको परेशानी होगी, मतलब फर्स्ट शिफ्ट हो या सेकेंड शिफ्ट, फर्स्ट शिफ्ट होगा तो मॉर्निंग में आपको ज़्यादा उठना पड़ेगा, सेकेंड शिफ्ट होगा तो आपको आफ्टरनून की जो पीक आवर्स होते हैं वहाँ पर आपको ट्रैफिक मिल सकती है। सो लेकिन थोड़ा सा स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा यहाँ पे संभाल लेना है, थोड़ा सा स्टार्टिंग में हर, बिकॉज बिगनिंग इज़ वेरी मच डिफिकल्ट, बाकी तो सब सेट है। तो गाइज, आई थिंक मुझे ये वीडियो बहुत, मुझे अभी तक तो बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा जितना मैंने आपको समझाया, और आई होप कि मुझे ना आपको इतू सा भी हेल्प हुआ होगा ना, देन प्लीज़ मेक श्योर दैट यू गाइज लाइक द वीडियो। यार आपसे एक शिकायत है कि आप वीडियो देखते हो लेकिन लाइक नहीं करते हो, यार ऐसा नहीं करते यार, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, अपने रिलेटिव्स फ्रेंड्स मीडियम से उसकी तरफ इन्फॉर्मेशन पहुँचा जा सकती है, देन प्लीज़ मेक श्योर गाइज यू शेयर द वीडियो विथ हिम और हर।
तो गाइज आज का वीडियो इतना ही रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा देन प्लीज मेक श्योर दैट यू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल बटन। फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग में एक नए दिन, तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ एंड वर्क हार्ड टिल योर नेम बिकम्स योर ब्रांड एंड बाय बाय।